रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है, पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो बेटा अपनी वर्क बुक का सफ़ा नंबर 45 खोलिए, 45। सफ़ा नंबर 45 पे आ गए बेटे हम। तारीख लिखिए, दिन लिखिए, क्या उनवान है? मनफी जुमले। नहीं, मनफी जुमले क्या होते हैं बेटे? जिनमें नहीं का इस्तेमाल आता है, ठीक है। नहीं लगाकर जुमले दोबारा लिखें। जैसे पहला जुमला क्या लिखा है? मेरे पास दो कलम हैं। अब इसमें नहीं लगा दिया तो क्या बन गया? मेरे पास दो कलम नहीं हैं, ठीक है। ये मनफी जुमला कहलाता है। ये मुस्बत जुमला है और ये मनफी जुमला है, ठीक है। अब नंबर दो जुमला क्या है बेटे? फूल सुर्ख रंग का है। अब इसको मनफी जुमला कैसे बनाएंगे? फूल सुर्ख रंग का नहीं है। शाबाश, फूल सुर्ख रंग का नहीं है, ठीक है बेटे। नहीं में जो नून गुना है वो लाइन के नीचे आएगा। तीसरा जुमला देखें बेटे, बच्चा पानी पी रहा है। इसका मनफी जुमला क्या बनेगा? बच्चा पानी नहीं पी रहा है। शाबाश, बच्चा पानी नहीं पी रहा है, ठीक है। नंबर चार जुमला बेटा क्या है? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मनफी जुमला क्या बनेगा? मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगला जुमला है बेटे, मैं घर में हूँ। मनफी जुमला क्या बनेगा? मैं घर में नहीं हूँ, ठीक है। अगला जुमला है बेटे, अली छत पर है। मनफी जुमला क्या बनेगा? अली छत पर नहीं है, ठीक है। अगला जुमला देखें बेटे, चिड़िया चूँचू कर रही है। मनफी जुमला क्या बनेगा? चिड़िया चूँचू नहीं कर रही है, चिड़िया चूँचू नहीं कर रही है। फिर नंबर आठ जुमला बेटे क्या है? ये आम मज़े का है। मनफी जुमला क्या बनेगा? ये आम मज़े का नहीं है, या मज़े का नहीं है, ठीक है। फिर नंबर नौ जुमला बेटे, सना रोटी खा रही है। मनफी जुमला क्या बनेगा? सना रोटी नहीं खा रही है। और नंबर दस, मैं रोज़ बाग की सैर करता हूँ। मनफी जुमला क्या बनेगा? मैं रोज़ बाग की सैर नहीं करता हूँ, ठीक है बेटे। ये सफ़ा मुकम्मल कीजिए साफ सुथरी राइटिंग में। आज हमने अपने मनफी जुमले पढ़े, ठीक है। ये मस्बत जुमले और ये मनफी जुमले जिसमें नहीं आता है। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।